सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत करती हूं जिसका नाम है पांच का तड़का। मैं जानती हूं आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई इंतजार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी पांच तड़कती भड़कती खबरों से जो मैं आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। आज हम सबसे पहले अपने इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। लेकिन आपको बता दें #MeToo कैंपेन में अब अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। #MeToo कैंपेन की चिंगारी जो है अब बड़े बड़े सितारों पर भी गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने किसी महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं किया, तो भाई आपको बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये माजरा क्या है ये पूरा कि #MeToo कैंपेन में बिना वजह ही कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बुढ़ापे में भी अमिताभ बच्चन को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी होने वाली है। लेकिन जैसे ही दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड को उन दोनों की शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने कितना चौंकाने वाला रिएक्शन दिया जिससे रणवीर सिंह को जरूर दिक्कतें तो हो सकती हैं। वहीं आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कहलाए जाने वाली श्रीदेवी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन आज भी किस तरह से फैंस उनको याद करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं हाल ही में एक फैन ने श्रीदेवी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि वो किस तरीके से अपने फैंस के साथ पेश आती थी। और भी आपको बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारों के बारे में हमारे इस खास रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम पांच का तड़के की और देखते हैं बॉलीवुड से जुड़ी पांच तड़कती भड़कती खबरों को। #MeToo कैंपेन में सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन भी फंस गए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इस कैंपेन के तहत जहां एक तरफ बॉलीवुड के कई तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स के नाम सामने आए हैं, वहीं इस कड़ी में फिल्म झुंड का नाम भी शामिल हो गया है। झुंड को डायरेक्टर नागराज मंजुले डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन नागराज के ऊपर शोषण का आरोप लगाया गया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर विजय बारसे के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म भी रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर विजय बारसे की जिंदगी पर आधारित है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है क्योंकि डायरेक्टर नागराज मंजुले के ऊपर उनकी एक्स पत्नी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं जिसके बाद से बुढ़ापे में अमिताभ बच्चन की भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कहलाए जाने वाली श्रीदेवी अब हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं और उन्हें छोड़े हुए कई महीने भी हो चुके हैं। लेकिन आज भी उनकी यादें हर किसी के जहन में हैं और हाल ही में एक फैन ने श्रीदेवी के साथ अपनी एक याद को सबके साथ शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि सुपरस्टार होने के बावजूद श्रीदेवी कितनी ज्यादा डाउन टू अर्थ थी। जानकारी के लिए बता दें अपर्ण भट्टाचार्य नाम के शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए ये पूरी कहानी बताई है। उन्होंने लिखा, जब श्रीदेवी आई तो वो काफी थकी हुई थी। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो बाद में मुझे ऑटोग्राफ जरूर देंगी। श्रीदेवी ने कहा कि वो कहीं भागकर नहीं जा रही हैं। उसी दिन वो एक इवेंट के लिए नीचे आई और उन्होंने जब मुझे लॉबी में खड़ा देखा तो खुद हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया। वो बोनी जी के साथ खड़ी हुई थी। शाम को जब मैं उन्हें उनके रूम तक ले गया तो उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दिया। मैंने उनसे एक फोटो की भी गुजारिश की थी। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या मेरे पास कैमरा है। इसके बाद मैं उनके साथ तस्वीर ले पाया। ये दिखाता है कि वो कितनी ग्रेट थी और एक सुपरस्टार होते हुए भी अपने वादे पर कायम रही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 और 15 नवंबर को मस्तानी और बाजीराव यानी कि
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही ये खबर दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड ने सुनी तो उनका रिएक्शन काफी चौंकाने वाला था। दरअसल सोशल मीडिया पर जैसे ही दीपिका ने अपनी शादी का कार्ड डाला और उन्होंने ये बताया कि भाई वो 14 और 15 तारीख को रणवीर सिंह से शादी करने वाली है, तो वैसे ही दीपिका पादुकोण की एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके सिद्धार्थ माल्या ने किस वाला इमोजी भेजा था, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बता दे, रणवीर सिंह सिद्धार्थ माल्या के इस रिएक्शन से जरूर चौंक गए होंगे। खबरों की माने तो कहा जाता था कि एक वक्त था जब दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन कभी भी इन दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी और ना ही अपने रिश्ते को कभी एक्सेप्ट किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में हैशटैग मीटू कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत बॉलीवुड में सबसे संस्कारी बापू यानी कि आलोक नाथ के ऊपर भी कई महिलाओं ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं अब आपको बता दें कि आलोक नाथ की पोल पट्टी एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने भी खोल दी है। जी हाँ, हाल ही में इसी बीच उन्होंने आलोक नाथ की सारी पोल पट्टी खोल दी। सोनी राजदान आलोक नाथ के साथ बुनियाद सीरियल में काम कर चुकी हैं। ये सीरियल साल 1986 में शुरू हुआ था और सोनी राजदान ने कहा, आलोक नाथ के बारे में दबी आवाज से सबको पता है, वो ड्रंक होने के बाद कुछ और ही बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी निगाहें काफी कुछ कह देती हैं। जब मैंने विनीता नंदा की पोस्ट पढ़ी तो हैरान रह गई। आलोक को अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान सोनी राजदान ने निजी जिंदगी से जुड़ा एक और राज खोला। सोनी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि काम मांगने के लिए शोषण का सामना नहीं करना पड़ा। बॉलीवुड की देसी गर्ल और साथ ही साथ हॉलीवुड में भी अपना अच्छा खासा नाम कमाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जो इन दिनों नेक जोनस संग अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में है। जी हां, आपको बता दें, नेक जोनस और प्रियंका चोपड़ा इन दिनों शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। तो वहीं आपको बता दें, बीते दिनों ऐसी वायरल खबरें आई थी उड़ती उड़ती कि भाई प्रियंका और नेक ने लास वेगस गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है, लेकिन हाल ही में इन दोनों को न्यूयॉर्क के सड़कों पर हाथ में हाथ डाले हुए पकड़ा गया था। दोनों ही बेहद प्यारे नजर आए थे। सोशल मीडिया पर इन दोनों की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि निक और प्रियंका ने एक दूसरे का बड़े ही प्यार से हाथ थामा हुआ है और न्यूयॉर्क की गलियों में घूमते हुए ये दोनों नजर आए हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन को बिना वजह ही हैशटैग मीटू कैंपेन में बुरी तरह वो फंस गए हैं। अब अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की शूटिंग भी कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आ रही है। वहीं आपने देखा कि एक फैन ने श्रीदेवी को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से श्रीदेवी इतनी बड़ी स्टार थी, लेकिन तब भी वो काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ थी। उन्होंने कभी भी किसी को कोई एटीट्यूड ईगो कुछ नहीं दिखाया और अपने फैन को वो किस तरीके से सिग्नेचर यानी कि ऑटोग्राफ और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैन के साथ कितने प्यारे तरीके से फोटो भी क्लिक करवाई। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसे ही 5 मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।